रिंकू सिंह, हाल ही में पूरा देश जानना चाह रहा था कि इन्हें विराट कोहली का बैट मिला या नहीं। तो देवियों और सज्जनों, इस यक्ष प्रश्न का जवाब मिल चुका है। रिंकू सिंह का मिशन कामयाब रहा, उन्होंने अपने विराट भैया से एक और बैट ले ही लिया। रिंकू की फ्रेंचाइज के ख्याल एक वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें रिंकू सामने से एक नया बल्ला लेकर आते दिखते हैं। सामने खड़े लोग पूछते हैं, रिंकू भाई बैट मिला? जवाब में रिंकू बैट दिखाते हुए कहते हैं, हाँ बैट मिल गया। इससे पहले 21 अप्रैल संडे को हुए केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच से पहले रिंकू और विराट का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में रिंकू को विराट से बल्ला मांगते देखा गया था। वीडियो की शुरुआत में रिंकू कहते हैं, स्पिनर पे टूट गया बैट। इस पर विराट कोहली ने पूछा, मेरा बैट स्पिनर पे तोड़ दिया तूने, कहां से टूटा? रिंकू ने हाथ में पकड़े दूसरे बल्ले का निचला हिस्सा दिखाते हुए कहा, ये फट गया पूरा इधर से। कोहली ने फिर रिप्लाई किया, तो मैं क्या करूं भाई? रिंकू बोले, कुछ नहीं मैं बता रहा था। इसके बाद विराट कोहली मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई नहीं बता दिया तूने, बढ़िया है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। वीडियो में आगे रिंकू सामने रखे दो बैट्स का पिंग चेक करते हुए नजर आते हैं। रिंकू को ऐसा करते देख कोहली कहते हैं, बकवास बैट है यार। रिंकू जवाब में कहते हैं, तो भेज रहे हो आप? जवाब में विराट बोलते हैं, किसको भेज रहे हो? इसके बाद रिंकू दोनों बैट विराट कोहली को देते हुए कहते हैं, लो यार रख लो। रिंकू को जाते देख कोहली पहले कहते हैं, सी यू, एक मैच पहले ले गया तू बैट, दो मैच में तुझे दो बैट दूं, तेरी वजह से ना जो बाद में मेरी हालत होती है ना। हालांकि रिंकू हिम्मत नहीं हारते, आखिरी दाव के रूप में वो कसम खाते हुए कहते हैं, आपकी कसम खा रहा हूँ, फिर नहीं तोड़ूंगा कभी बैट, पिछला बैट टूट के रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयानक वायरल हुआ था, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इसके बाद ईडन गार्डन्स में दोनों टीम्स ने कमाल का मैच भी खेला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 222 रन बनाए। टीम के लिए फिल सॉल्ट ने सिर्फ 14 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 50 रन बनाए। अंत में रमनदीप सिंह ने सिर्फ 9 गेंदों पर 24 रन कूट डाले थे। जवाब में आरसीबी के दोनों ओपनर पावर प्ले में ही आउट हो गए। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी के विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार और विल जैक्स ने 102 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन इसके बाद इनका मिडिल ऑर्डर ढह गया। 136 पर 2 से ये लोग 155 पर 6 हो गए। हालांकि अंत में इन्होंने पूरा जोर लगाया। करण शर्मा ने मिचेल स्टार्क द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़े, लेकिन अंत में ये लोग 1 रन से हार गए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप्स।